नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने बाजी मार ली है। धनखड़ को 528 वोट मिले हैं, तो वहीं आपको बता दें कि उनकी विरोधी मार्गरेट रलवा को 182 वोट ही मिल पाए। 15 सांसदों के वोटों को खारिज कर दिया गया। इससे पहले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सुबह 10 बजे ये मतदान शुरू हुआ था। मतदान शाम को 5 बजे खत्म हुआ। इसके बाद शाम को 6 बजे वोटों की काउंटिंग शुरू की गई थी। धनखड़ अब 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। तस्वीरें आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनके घर यानी कि झुंझुनू में जश्न की। दूसरी तस्वीरें आपको होम मिनिस्ट्री की दिखा रहे हैं, जहां पर धनखड़ जब चुन लिए गए उपराष्ट्रपति, तो उसके बाद उनकी मुलाकात तमाम वरिष्ठ नेताओं से हुई है। तो वहीं आगरा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की अध्यक्षता में जारी समीक्षा बैठक समाप्त हो चुकी है। बैठक में डेवलपमेंट के काम समय सीमा पर समाप्त करने के आदेश दिए गए। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि हर स्थिति में आगरा को प्रदेश का नंबर 1 जिला बनाया जाएगा। आगरा जनपद के विकास कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गई है, सभी विभागों की, कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की गई है। जो शासन की योजनाएं हैं शत प्रतिशत आम जनता तक पहुंचे, जो गरीब कल्याण की योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की हैं, वो लाभार्थियों तक शत प्रतिशत पहुँचाना है। डेवलपमेंट के जो कार्य चल रहे हैं उनको समय सीमा में पूरा करना है। आगरा में ट्रैफिक जाम न हो, इस बात के लिए सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। कानून व्यवस्था पर बहुत ही चौकन्नी। आगरा के खैरागढ़ में समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान में पूर्व कैबिनेट मंत्री रामजी लाल सुमन पहुंचे। इस दौरान सुमन ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीणों को सदस्यता अभियान से जोड़ा, साथ ही लोगों तक पार्टी के एजेंडे को पहुंचाने के निर्देश भी दिए। इस दौरान जिला अध्यक्ष लाल सिंह लोधी, जिला उपाध्यक्ष राजवीर कुशवाहा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और ग्रामीण भी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता विरोधी दल नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर जो समाजवादी पार्टी, जो समाजवादियों का संविधान है, 5 साल बाद सदस्यता रिन्यूअल होना, नए सदस्य जोड़ना, लोग और आपसे कोई छुपा नहीं, आपने देखा होगा सैकड़ों की तादाद में जो लोग आज नवीनीकरण हुआ, नए सदस्य, नए लोगों ने सदस्यता ग्रहण की समाजवादी पार्टी की, इससे साफ तौर से जाहिर होता है। जनता की समस्याओं को लेकर प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव इटावा पहुंचे हुए थे, अपने आवास पर थे। इस दौरान शिवपाल ने इटावा में चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर अंकुश लगाने की बात कही। तो वहीं राम गोपाल यादव के सीएम से मुलाकात को लेकर किए न्याय की लड़ाई वाले ट्वीट पर कहा कि मैंने जो ट्वीट किया उसमें क्या गलत किया, जो मुझे दिखा वो मैंने ट्वीट कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि ये जो लोग बातें कर रहे हैं ये बहुत छोटे लोग हैं, इन्हें मैंने ही सिखाया है, मैंने हमेशा जनता की लड़ाई लड़ी। वहीं तिरंगा यात्रा को लेकर शिवपाल सिंह यादव कहीं ना कहीं बीजेपी के अभियान का सपोर्ट करते नजर आए। उन्होंने कहा कि 22 साल से हम यात्रा निकाल रहे हैं और इस 15 अगस्त को भी यात्रा निकालेंगे। राष्ट्रीय पर्व है, हम चाहते हैं कि 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय झंडा घर घर पहुंचे। जो मैंने ट्वीट किया है क्या गलत किया, जो मुझे दिखा है वही तो किया है, जो मुझे दिखा है वही तो मैंने किया है। देखिए हम लोग 15 अगस्त को 22 साल से यात्रा निकल रहे हैं, 22 साल से यात्रा निकाल रहे हैं, 15 अगस्त को फिर निकल रही है हमारी यात्रा है। और हम तो कहेंगे कि उस दिन झंडा है जो राष्ट्रीय झंडा है अपना घर घर पहुंचे। राजधानी के संगम होटल में भीषण आग लग गई। इस दौरान आग ने और विकराल रूप तब धारण कर लिया जब उसकी चपेट में 3 गैस सिलेंडर आ गए। मगर पहुंची पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते को रोका है, पर सूचना के आधे घंटे बाद भी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचे, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। विकास नगर इलाके में संगम होटल और सिटी ढाबा, ये दोनों अगल बगल थे, इनमें संदिग्ध परिस्थितियों में एक बड़ी आग लग गई और दोनों ढाबे जल के खाक हो गए। हम इस समय उसी जगह पर मौजूद हैं
आप पीछे देखेंगे मेरे पे यहाँ फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है और लगातार प्रयास कर रही है आग पे काबू पाने का प्रयास कर रही है। बड़ी संख्या में पुलिस भी यहाँ पर है, हालांकि पुलिस ने पहले पहुंच करके बैरिकेडिंग कर दी थी और रास्ते को बंद कर दिया गया था, क्योंकि जिस तरीके की सूचना थी उसमें साफ बात कही जा रही थी कि लगभग 2 से 3 सिलेंडर जो है फटे हैं और उसके बाद यह भी बताया जा रहा था कि 3 से 4 सिलेंडर अंदर हैं। इस वक्त यहाँ पे पुलिस भी मौजूद है, मेरे साथ में ACP महानगर है जया मैम। मैम, आग ये लगी थी, बताया जा रहा है कि गैस की जो पाइप थी वो लीक कर रही थी, इसी चलते आग लगी थी और 3 सिलेंडर फटे, क्या सच्चाई मैम? अभी प्रथम सूचना तो यही आ रही है कि भगोने में जो खाना बन रहा था उसके नीचे पाइप थी, वो पाइप फटने का, सिलेंडर की पाइप फटने का आग लगी हुई है। मैम, बताया जा रहा था कि 3 सिलेंडर फट गए, उसके बाद 4 सिलेंडर अंदर थे, लेकिन तभी भी पुलिस यहाँ पे पहुंची और निडरता के साथ पुलिस ने अंदर घुस करके बुझाने का काम किया। चूंकि ये 2 ढाबे अगल बगल हैं, संगम होटल और सिटी होटल, सिटी होटल में आग लगने की सूचना पहले आई है। चूंकि अगल बगल होने के कारण दोनों ढाबे में काफी सिलेंडर रखे थे, अभी ये तो नहीं कह सकता कितने सिलेंडर फटे तो जांच के बाद पता चल पाएगा, लेकिन हाँ अंदर कई सिलेंडर फटने की सूचना है। पुलिस ने काफी मुस्तैदी दिखाई, काफी तेजी से पुलिस और फायर ब्रिगेड आई और आग पर काबू पाया गया है। मैम, फिलहाल की क्या स्थिति, कोई जनहानि किसी तरीके की, किसी का कुछ नुकसान होने की सूचना मिली है? कोई जनहानि की सूचना नहीं, हमारी सबसे बड़ी सफलता है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। तो ये जया मैम थी ACP महानगर, जिनका साफ तौर से कहना है कि पुलिस ने निडरता के साथ समय रहते यहाँ पे आके आग पे काबू पाया और फायर ब्रिगेड की टीम लगातार प्रयास कर रही है कि पूरी तरीके से आग को बुझा दिया जाए। कारणों का भी नहीं पता चल पाया है कि किस तरीके से आग लगी थी, लेकिन फिलहाल जो प्रथम सूचना है वो ये बताई जा रही है कि गैस सिलेंडर लीक कर रहा था जिसके चलते ये आग लगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अशर अफरार, जनता TV, लखनऊ। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी और अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से दे रहे हैं। 1 करोड़ बूस्टर डोज का आंकड़ा पार हो चुका है। आपको बता दें कि 1 करोड़ बूस्टर डोज का आंकड़ा पार करने के करीब उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में लगभग 92 लाख लोगों को अब तक बूस्टर डोज लग चुकी है। प्रदेश में अब तक 35.17 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है और यह अभियान 30 सितंबर तक यूं ही चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स के बाद जापानी इंसेफेलाइटिस ने दस्तक दे दी है। अलीगढ़ के जेडन मेडिकल कॉलेज में जापानी इंसेफेलाइटिस का केस मिला। बदायूं के गांव भवानीपुर खैरू में 6 महीने के बच्चे का जेडन मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा था, जब जांच के सैंपल लिए गए तो मासूम बच्चे के अंदर जापानी इंसेफेलाइटिस पॉजिटिव होने के सिम्टम्स मिले। इसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। उपचार के दौरान मासूम बच्चे की हालांकि मौत हो गई है, लेकिन इस पूरे मामले के बाद जापानी इंसेफेलाइटिस को लेकर के अलीगढ़ में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही अलीगढ़ CMO ने बदायूं के गांव भवानीपुर खैरू में जांच के लिए सैंपलिंग के निर्देश भी दिए हैं। 2022 में रणविजय और पराजय का स्वाद चखने के बाद सीख सबक और तैयारी के साथ सभी दलों के लिए अगला लक्ष्य है लोकसभा चुनाव, जिसके लिए सत्ता पक्ष जीत के ग्राफ को और विस्तार देना चाहता है तो विपक्ष बार बार हार से धराशायी होने के बावजूद बेहतर तैयारी से अपनी धमक का एहसास कराना चाहता है। इस क्रम में क्या कहता है सूबे के लिए विपक्ष का समीकरण, देखिए खास रिपोर्ट। देश के सभी राजनीतिक दलों के लिए अब सबसे बड़ा टारगेट लोकसभा चुनाव 2024 है, जिसकी तैयारियों में सभी पार्टियां अभी से जुट गई है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी अपने गठबंधन के साथ आगे के चुनाव के लिए रणनीति पर काम कर रहे हैं। हालांकि पिछले कई चुनावी जंगों में उन्हें जीत हासिल नहीं हो सकी है और बीते दिनों सपा गठबंधन बिखरा हुआ भी नजर आया, लेकिन लगता है कि सपा की आगे की रणनीति जीत की है और जीत को सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने कवायद शुरू कर दी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें सपा प्रमुख और सपा विधायक पल्लवी पटेल की मां कृष्णा पटेल नजर आ रही हैं। कृष्णा पटेल अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें काफी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अब गठबंधन को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। वहीं इससे पहले आजम खान के घर की भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी। इन तस्वीरों में आजम खान और महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य साथ दिखाई दिए थे। दरअसल केशव देव मौर्य आजम खान के घर दावत पर पहुंचे थे। इस दौरान केशव देव मौर्य के सुर बदले बदले हुए भी नजर आए थे। उस वक्त केशव देव मौर्य ने अखिलेश यादव का बचाव करते हुए शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर को निशाने में लिया था।
उन्होंने राजभर पर कहा था कि उनकी डोर बीजेपी और आरएसएस के हाथों में है। इससे पहले आजम खान ने गठबंधन के नाराज दलों से बात करने की बात कही थी। फिलहाल अब तक के जो भी हालात सपा के लिए रहे हों, अखिलेश यादव ने चाहे अपनों से ही नाता क्यों न तोड़ा हो, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है और जिस तरह से अखिलेश पार्टी को फिर से मजबूत करने को लेकर बेहद सजग नजर आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि शायद अखिलेश फिर से नया गुलदस्ता तैयार करने में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो पहला गुलदस्ता पूरी तरह से बिखर गया, अगर नया गुलदस्ता बन भी गया तो क्या उसका ख्याल अखिलेश अच्छे तरीके से रख पाएंगे, या फिर लोकसभा चुनाव में जीत तय करने के लिए उनका सिर्फ एक ये सियासी दाव होगा, और क्या नया गुलदस्ता लोकसभा चुनाव में जीत को सुनिश्चित कर पाएगा, क्योंकि पिछले कई चुनाव उनके लिए सिर्फ हार ही लेकर आए थे। सवाल कई हैं और इन सब सवालों का जवाब सिर्फ आने वाला लोकसभा चुनाव ही बता पाएगा। जनता टीवी के लिए डेस्क से सौरभ तिवारी की रिपोर्ट। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा रामनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र का भ्रमण किया, साथ ही पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए प्रदेश में एक्शन प्लान बनाया जाएगा, जिसके लिए विभागीय स्तर पर काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मानव वन्य जीव संघर्ष के कारणों का पता लगाया जा रहा है, जिसके बाद जल्द ही एक्शन प्लान को बनाया जाएगा। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया कि उत्तराखंड का वातावरण वन्य जीवों के लिए काफी अनुकूल माना जाता है, इसके लिए कॉर्बेट समेत उत्तराखंड के सभी वन्य प्रभागों में वन्य जीवों की संख्या में इजाफा हुआ है। जो क्षेत्र मानव वन्य जीव संघर्ष की घटना ग्रसित होगा, उस क्षेत्र में उसी आधार पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, ताकि मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को रोका जा सके। उत्तराखंड राज्य में मानव वन्य जीव संघर्ष के निवारण के लिए प्रदेश स्तरीय रणनीति और एक्शन प्लान बनाया गया, और हम लोग प्राथमिकता के आधार पर उसी पर काम कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से इस समस्या के जो कारक हैं उनको चिन्हित करते हुए उनके निवारण के लिए जो संसाधन आवश्यक हैं उनको चिन्हित किया जाएगा, और किस प्रकार की ट्रेनिंग चाहिए, किस प्रकार के उपकरण चाहिए, और उनको कहां कहां पर किस प्रकार से तैनात किया जाना है उसके ऊपर निर्णय लेकर, और साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मानव वन्यजीव संघर्ष के निवारण में मदद दे सकती हैं, जैसे जंगलों की सीमा से लगे हुए जो खेत हैं हमारे, उनमें किस प्रकार की वैकल्पिक फसलें उगाई जा सकती हैं। हल्द्वानी में पिछले 10 दिनों में ठेकेदार आंदोलन में रहे हैं, और अपने आंदोलन के 10वें दिन आज उन्होंने सरकार के खिलाफ बुद्धि शुद्धि यज्ञ करते हुए कहा कि सरकार ठेकेदारों का उत्पीड़न कर रही है। कई डिविजन में ठेकेदारों के पेमेंट को रोक दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष का कहना रहा कि ठेकेदारों के काम किए जाने पर अवैध खनन नियमावली 2005 जोड़ा जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। यह अवैध खनन नियमावली खनन पट्टे और रेत बजरी का स्टॉक करने वाले पट्टे धारकों के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे राज्य के ठेकेदारों के ऊपर लागू किया जाना बिल्कुल भी गलत है। प्रदेश सरकार द्वारा ठेकेदारों की रॉयल्टी पर अवैध खनन नियमावली 2005 जोड़ी जा रही है, उसके विरोध में हम सभी ठेकेदार और प्रदेश के सारे ठेकेदार विरोध में हैं। परेशानी है कि यह जो नियमावली है यह न्याय संगत नहीं है, इसकी वजह से सभी ठेकेदारों को आर्थिक बहुत हानि होगी, क्योंकि ये जो नियमावली बनाई गई थी 2005 यह बनाई गई थी पट्टा धारकों के लिए, सुपर स्टॉकिस्ट के लिए, और जो भी मतलब जैसे क्रेशर वगैरह में स्टॉक रहता उनके लिए, और इस नियमावली को ठेकेदारों की एक रॉयल्टी से जोड़ा जा रहा है जो कि न्याय संगत नहीं है। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को साकार करने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में राजकीय विद्यालय मंगलौर के प्रधानाचार्य ने हाईस्कूल पास की हुई 4 बेटियों का भविष्य अंधकार में डुबो दिया है। दरअसल पूरा मामला मंगलौर के राजकीय कन्या उच्चतम माध्यमिक विद्यालय का, जहां विद्यालय में अध्ययन कर रही मंगलौर की छात्राओं ने कक्षा 8 की परीक्षा पास की थी। आरोप है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कई छात्राओं की टीसी में रेड पेन से मार्क किया, छात्रा के आचरण को दर्शाया है। प्रधानाचार्य ने आचरण में छात्रा का निराशाजनक विवरण दर्शाया। 14 साल की उम्र वाली छात्राओं को विद्यालय में राजनीति करने, विभागीय आदेश की अवहेलना करना, प्रधानाचार्य का अपमान करना, 4 छात्राओं के व्यवहार को असंतोषजनक बताया गया, जिससे अब उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। हमारे द्वारा एक पत्र द्वारा उन प्रधानाध्यापिका का
स्पष्टीकरण लिया गया है, तो उनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण में दिया गया है, तो स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हो चुका है। अब उनके द्वारा भी बच्चों के ऊपर कुछ आरोप लगाए गए हैं, तो दोनों पक्षों को मैंने सोमवार को जो है विद्यालय में बुलाया 11 बजे, और मैं विद्यालय में जाकर स्थलीय रूप से दोनों पक्षों को सुनूंगा, तब मैं बता पाऊंगा कि इसमें किस पक्ष पे जो कार्रवाई हुई है वो सही हुई है या गलत हुई है, इस संबंध में जांच के ही बाद में टिप्पणी कर पाऊंगा। ये मामला मेरे सामने कल ही संज्ञान में आया है, कल मेरे पास काफ़ी लोग आए थे, पर तो मैंने उससे फिर वहाँ के अधिकारियों से बात करी थी, उस मैडम से भी बात करी थी। मैंने कहा मैडम ये बताओ कि ये बच्चियाँ जो हैं 5, 15, 12, 13 साल की, जो आपने रेड पेंसिल पे लिखा है, तो बताने का कष्ट करें कि ये किन किन मामलों में इन्वॉल्व हैं। कुछ मंथ बाद जैसे कि हमारी मार्कशीट आ चुकी थी विद्यालय में, तो हम अपनी टीसी लेने के लिए गए, तो उन्होंने बोल दिया कि तुम्हें टीसी अभी नहीं मिलेगी, और पहले तुम टैबलेट और वो उसके 12,000 जो तुमने रिटर्न करे हैं वो दिखाइए। हमने उनसे कहा मैम आप हमें उनका सीओ सर का अकाउंट नंबर दे दीजिए, हम उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, मैम आपके हाथ में पैसे नहीं दे सकते, या तो आप हमें कोई पक्का प्रूफ दें जिससे कि हम दूसरे को जवाब देने में हमें आसानी हो कि हमने पैसे जमा करे हैं, हमारे पास ये प्रूफ है। ये हमारे बच्चे हैं, भतीजी हमारी है, ये राजकीय जूनियर हाई स्कूल मानक चौक में पढ़ते हैं, तो कुछ टीसी का मसला था, टीसी मांग रही थी, तो मैडम टीसी देने से इनकार कर रही थी, और जब इन्होंने ज़्यादा जोर दिया और हम वहाँ पर गए, तो इन्होंने इनकी टीसी पे इनके जो आचरण लिखा जाता है उसके बारे में बहुत अशोभनीय बहुत गलत बातें लिख दी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने कहा कि आयोग की पिछले महीने और पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे जिसकी वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। मामले पर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का बड़ा बयान सामने आया, क्या कुछ कहा सुनिए। उत्तराखंड की मेहनती युवाओं की मेहनत इस भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी है, और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा जो लोग घूस देकर नौकरी में लगे क्या वो प्रदेश के भले के लिए काम कर पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता रखकर ऐसे लोगों को चयन करते हैं जो सरकार के लिए काम करे, प्रदेश के लिए काम करे। अगर वो पहले से ही भ्रष्ट होकर आएंगे तो वो तो सीधी सी बात है उत्तराखंड को घुन लगाने का काम करेंगे। इसलिए ये हमारी देवभूमि के आने वाले भविष्य का सवाल है, हमारे देवभूमि के युवाओं के भविष्य का सवाल है। इसलिए मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि जितने भी दोषी हैं उन्हें जेल भेजेंगे, आयोग को भंग करेंगे। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा, बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, हमारी ये कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।